Sir, Madam Dr. Prasant, Department of Psychology, SB College Chandi, Pulani City, Chaibasa. आज हम लोग जो पिछला प्रीवियस जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेल्थ साइकोलॉजी का उसी से रिलेटेड मैं आपको आगे का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना चाहूंगा। निम्न में से कौन सी मनोरचना फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित है? ए प्रतिगमन, बी प्रेक्षेपण प्रक्षेपण, सी विस्थापन और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जैव मनोसामाजिक मॉडल के प्रतिपादक है? ए जॉर्ज एंगल, बी फ्रायड, सी एडलर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जॉर्ज एंगल। नेक्स्ट, जैविक सिद्धांत के आरंभिक समर्थक माने जाते हैं? ए हॉलर, बी ग्रिसिंगर, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। नेक्स्ट, क्रेपलिन किस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं? ए आध्यात्मिक सिद्धांत, बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी जैविक सिद्धांत और डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है सी जैविक सिद्धांत। नेक्स्ट, मस्तिष्क के विकृति का संबंध है? ए आध्यात्मिक सिद्धांत, बी मनोसामाजिक सिद्धांत, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी जैविक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है जैविक सिद्धांत। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत है? मनोगत की विचारधारा, बी व्यवहारवादी विचारधारा, सी संज्ञानात्मक विचारधारा और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में किस सिद्धांत में मानसिक अस्वस्थता की व्याख्या जैव दैहिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है? ए जैविक सिद्धांत, बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी आध्यात्मिक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है जैविक सिद्धांत। नेक्स्ट, सामाजिक मानक सिद्धांत को विकसित किया पार्किंस ने, बारकोविज ने, ए और बी दोनों ने और डी है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, योजनागत व्यवहार सिद्धांत के संप्रत्यय है? ए मनोवृत्ति, बी व्यवहारात्मक उद्देश्य, सी सामाजिक मानक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। परा सिद्धांत पागम में कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की गई है? ए 5, बी 6, सी 3 और डी 4। इसका सही उत्तर है बी 6। नेक्स्ट, जेम्स प्रोचास्टा और कार्लो डी क्लेमेंट का संबंध है? ए परा सिद्धांत पागम से, बी तर्कसंगत कार्यवाही सिद्धांत से, सी नवाचार विस्तार से और डी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इसका सही उत्तर है परा सिद्धांत पागम। नेक्स्ट, तर्कसंगत कार्यवाही का सिद्धांत के प्रतिपादक है? ए आइंजेक अजेन, बी मार्टिन फिशबेन, सी ई ए रोजर्स और डी ए और बी दोनों ही। इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, नवाचार विस्तार सिद्धांत का संबंध किससे है? ए कार्ल रोजर से, बी ई एम रोजर से, सी अब्राहम मैस्लो से और डी वॉटसन से। इसका सही उत्तर है ई एम रोजर्स। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार के प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? ए तनाव, बी पक्षपात, सी उपेक्षा और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य बोध हेतु किया गया विश्वास एवं कार्यवाहिया वस्तुता है? ए अस्वास्थ्य व्यवहार, बी स्वास्थ्य व्यवहार, सी सामाजिक व्यवहार और डी असामाजिक व्यवहार। इसका सही उत्तर है बी स्वास्थ्य व्यवहार। नेक्स्ट, स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक है? ए जैविक निर्धारक,
बी सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक, सी मनोवैज्ञानिक निर्धारक और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ए संतुलित भोजन, बी नियमित व्यायाम, सी योग और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य व्यवहार के प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं तापमान, तनाव, सी पक्षपात और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी है। स्वास्थ्य वर्धन हेतु आवश्यक है ए स्वास्थ्य अंतःक्रिया, बी सामाजिक अभियांत्रिक, सी स्वास्थ्य बोध का विकास और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी है। स्वास्थ्य विश्वास उपागम का संबंध निम्न में से है होचबॉम से, बी रोजेन स्टॉक से, सी स्टीफेन से और डी उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी से। होचबॉम, रोजेन स्टॉक और स्टीफेन, इन तीनों ने ही इस उपागम का चर्चा किया है। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद।